अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयब अक्टूबर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये चार्जिंग मॉड्यूल है, तो आपको पता होता है कि ये इस लिथियम सेल को चार्ज करने के लिए बेसिकली काम करता है। तो क्या होता है कि ये अगर जल जाए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर ये जल जाए तो काफ़ी लोग क्या कहते हैं, अगर ये जल गया, ये ख़राब हो गया, तो वो इसको फेंक देते हैं कि ये अब किसी काम का नहीं रहा, हम लोग इसको इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको डेड हुए को भी आप ड्यूल को आप जो है किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये जल भी जाए तो। तो आपने बेसिकली करना क्या है, अगर ये जल गया तो आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी चेक करवाऊँगा कि आप इसको डेड को भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप से गुजारिश है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आप लोगों के बहुत काम की होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह को कैसे इस्तेमाल करना है डेड हुए को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो है वो चार्जिंग पिन लगा लेता हूँ। ये देखें, मैंने इसमें चार्जिंग पिन जैसे ही लगाई है, ये ब्लू लाइट जो है वो जलने लगी है। तो अब ये क्योंकि मॉड्यूल बिल्कुल ठीक है, चार्जिंग मॉड्यूल, तो इस पे अब आउटपुट पे भी मैं आपको वोल्टेज चेक करवाऊंगा। ये देख लें, वीडियोस को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे मैं आपको पहले तो यहाँ पे बैटरी के जो पॉइंट बने होते हैं यहाँ पे वोल्टेज को चेक करवाऊंगा। ये देख लें, आउटपुट पे वोल्टेज भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मॉड्यूल जो है बिल्कुल ओके है। तो अब ये जो ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ ना कि आपका ये मॉड्यूल जल भी जाए तो वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है इसको, ये मैं आपको बता दूँ कि ये वैसे तो काम नहीं करेगा कि ये यहाँ पे, क्योंकि कट ऑफ इसमें ऑप्शन होता है कि अगर ये आईसी वगैरह जल जाएंगे तो ये वैसे तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये आपका काम करता रहेगा। बिल्कुल बेकार जिसको आप समझते हैं वो नहीं होगा। ये यहाँ पर एक वो माइनस पॉइंट बना होता है, एक जो है वो प्लस पॉइंट बना होता है, और जैक के भी माइनस और प्लस, और ये माइनस और प्लस ये कॉमन पॉइंट है। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आप जैक लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट करंट जो है वो देखने से मिलेगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर ये डेड हो गया मॉड्यूल, आपने यहाँ पे जैक लगाना है, यहाँ पे से एक माइनस की वायर ले लेनी है, यहाँ से एक प्लस की वायर ले लेनी है। तो आप यहाँ पे बैटरी के ऊपर प्लस माइनस को कनेक्ट करके अपनी बैटरी को वो चार्ज कर सकेंगे। ये क्या होगा, आपका जैक का काम ये करने लगेगा, समझ ले मेरी बात, ये जैक का काम करने लगेगा और ये आपका जो है ये मॉड्यूल कुछ हद तक काम करने लगेगा। प्रॉपर तो काम नहीं करेगा लेकिन काम करने लगेगा। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल बेकार नहीं होगा जिसे आप कहते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।